नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो काफी लोग कमेंट करके कह रहे थे कि आप प्रयागराज से हैं, प्रयागराज की वीडियोस बनाते हैं। तो ये बताइए कि जब चुनाव के रिजल्ट आ गए तो प्रयागराज से बीजेपी क्यों हार गई, जबकि आपके प्रयागराज में इतने ज्यादा डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, इतने ज्यादा ब्रिजेस बन रहे हैं। तो कुछ कारण मैंने लिख दिए हैं और जिससे मैं आपको बताऊंगा कि आप स्पष्टीकरण कर सकेंगे कि प्रयागराज से बीजेपी क्यों हार गई। सबसे पहला कारण है भीतरी घात, है किसी और पार्टी के कार्यकर्ता, काम कर रहे किसी और पार्टी के लिए। दूसरा पॉइंट, विरोधियों को कमजोर समझना, विरोधियों को कमजोर कभी भी नहीं समझना। और तीसरा पॉइंट है कि सही प्रत्याशियों का चुनाव ना करना। सही प्रत्याशियों का चुनाव करना उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जैसा कि सब्जी के अंदर नमक का डालना। चौथा पॉइंट है बेरोजगारी जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं पर ध्यान केंद्रित ना करना। हमारे प्रयागराज में नैनी जैसे औद्योगिक एरिया को फिर से चालू अगर कर दिया जाता तो यहाँ पे बेरोजगारी जैसी समस्या थोड़ी सी दूर हो सकती थी। पांचवा पॉइंट है कि जातिवाद को ज्यादा प्रमोट करना। संसदीय कार्यकाल के अंदर जनताओं से विचार विमर्श ना करना, मतलब जनता जाए तो उन्हें आप गेट से ही भगा दे रहे हो, उनसे मिल तक नहीं रहे हो। कुछ पॉइंट ये है कि जैसे एम्स जैसे बड़े अस्पतालों का प्रयागराज के अंदर संचालन ना होना।